लालू यादव की आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा जाहिर तौर पर काफी दिलचस्प है। इस किताब में विस्तार से उन्होंने बचपन से लेकर अब तक की यात्रा का जिक्र किया है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री और देश के रेल मंत्री के तौर पर उनकी कामयाबियों का जिक्र है और नाकामियों का भी। किताब में लालू यादव बार बार खुद को वंचित, अल्पसंख्यक और हाशिए पर पहुंचे लोगों का मसीहा पेश करते हुए दिखते हैं। वे इसमें खुद को महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला के साथ साथ राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की राजनीति को आगे बढ़ाने वाला भी मानते हैं। इसी पुस्तक में लेखक नलीन वर्मा ने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा लाल कृष्ण आडवाणी से जुड़ा साझा किया है। 1990 में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा पर जब निकले तो उन्हें लालू यादव ने बिहार में गिरफ्तार कराया था। इस बारे में अपनी आत्मकथा में ये लालू लिखते हैं, नजर बंद रहते हुए आडवाणी ने एक विशेष अनुरोध किया था कि वह अपनी पत्नी कमला आडवाणी से बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे उन्हें बहुत मिस करते हैं और उन्हें बातचीत किए बिना बेचैनी महसूस होती है। मेरे सामने अजीब दुविधा थी। यह एक राजनीतिक कैदी नहीं थे, वे कोई अपराधी नहीं थे, मानवीय अनुरोध था। लेकिन यह भी हो सकता था कि वे अपनी पत्नी से कोई राजनीतिक बात साझा करें। अगर यह बात लीक हो जाए तो उसके नतीजे भयावह हो सकते थे। आडवाणी की एक बात पर उनके समर्थक सड़क पर उतर सकते थे। मेरे सहयोगियों ने मुझे साफ शब्दों में समझाया कि मैं आडवाणी का अनुरोध न मानूं, लेकिन मैं वरिष्ठ भाजपा नेता के अनुरोध पर पिघल गया। पत्नी से बात करने के लिए जल्द ही हॉटलाइन की व्यवस्था करा दी। आडवाणी दिन में 2 बार उनसे बात करते थे। आडवाणी जब बात करते थे तो उस वक्त उस कमरे में बिहार सरकार के एक अधिकारी भी होते थे। उनकी उपस्थिति से आडवाणी शुरुआत में असहज रहते थे, लेकिन बाद में वो सहज हो गए थे। इस दौरान आडवाणी के व्यवहार की तारीफ करते हुए लालू लिखते हैं, नजर बंद रहते हुए आडवाणी ने संतुलन और भद्रता का परिचय दिया था। अपनी बात पर अड़े रहने वाले इस व्यक्ति की अपनी छवि थी। यह खबर किसी तरह लीक हो गई कि नजरबंद आडवाणी दिन में 2 बार अपनी पत्नी कमला आडवाणी से बात करते हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार ने कमला आडवाणी से अनुरोध किया कि जब वो आडवाणी से बात कर रहे हों तब वह उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। एक नियत दिन जब पति पत्नी के बीच हॉटलाइन पर बात हो रही थी तब उस पत्रकार ने दूसरे छोर से आडवाणी से बात करने की कोशिश की। आडवाणी ने उनसे बातचीत करने से मना कर दिया क्योंकि यह उसके वादे के खिलाफ होता जो उन्होंने मुझसे किया था। वो सिर्फ अपनी पत्नी से बात करेंगे, बाकी किसी से नहीं। लेकिन उस पत्रकार ने यह खबर फैला दी कि उन्होंने आडवाणी से बात की है और भाजपा द्वारा केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लेना अब कुछ समय की ही बात रह गई थी। इस खुलासे से मेरी सरकार के साथ साथ वीपी सिंह सरकार की भी काफी बदनामी हुई और दुमका के डीएम को सस्पेंड कर देने की मांग उठी। जब आडवाणी को यह बात मालूम चली तो वह बेहद दुखी हुए थे और उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने किसी पत्रकार को कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। वह चाहते तो खामोश रहकर इस झूठ को और फैलने दे सकते थे क्योंकि इससे उस आदमी की ही परेशानी बढ़ती जिसने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था। लेकिन यह सच कहकर उन्होंने अपने बड़प्पन का परिचय दिया।